हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल विनोद लिंडा एंड फैमिली में। और आज कुछ गड़बड़ हो गया है अमन के साथ। क्या गड़बड़ हुआ है? पंगा ले लिया मेरे साथ। वो तो पता चलेगा लास्ट में कि कौन किसका गड़बड़ हुआ है। शरीर देख के समझना चाहिए, पंगा नहीं लेना चाहिए। तो हम कम है के चलिए बहस तो चलता रहे। नहीं, वो शरीर देख के ना तो स्पीड, किसका मुंह बड़ा, कौन जल्दी चलता है। मेरा मुंह जल्दी चलता है। हाँ, लड़की लोग का मुंह जल्दी चलता है तो फिर मानते हैं ना। अभी हम प्रूव करके दिखाएं। तो हम लोग का पंगा शुरू हो गया है, ठीक है। आज हम लोग का चैलेंज में बदल चुका है, तो हम लोग जवान का पंगा हम लोग मैगी में उतारेंगे, ठीक है। हम लोग का सामने में दोनों रखा हुआ है बराबर बराबर, पूरा वेट के हिसाब से प्लेट को हम लोग लोड सेल में रख के वेट करके बराबर करके हम लोग यहाँ रखे हैं, ठीक है। तो कहीं पर से भी कोई चलाकी नहीं होने वाला है। तो चैलेंज ये है कि कौन पहले खत्म करेगा। टाइमर लगाते हैं। अरे ऐसे भी हम नहीं, तो जो करेगा वो टच कर तो फिर बोलेगा हम खत्म किए। चीटिंग होगा है मेरे। तो अभी लास्ट में ऐसे भी हम जीतने वाले हैं, नहीं जीतने। अच्छा, ऐसे देखते हैं कौन जीतता है अभी। तो आप लोग दिल थाम के बैठिए और देखिए कौन जीतता है। और यहाँ बादल हो रहा है कि पानी आने वाला है, ठीक है। और यहाँ पर विश्वास नहीं हो रहा, इसलिए हम लोग टाइमर सेट कर रहे हैं, ठीक है। इससे पता चलेगा कि कौन पहले खाया, वो तो पता चल ही जाएगा, लेकिन टाइम का भी पता चल जाएगा। आप अपना दम रख सकते हैं, हम नहीं पहुंचे। तो देखिए हम लोग के पास मैगी आ गया है। मैगी तो अमन तुम कुछ बोलना चाहती है क्या? हम जीतेंगे बस, और क्या। तो फिर मतलब जो भी अपना। अच्छा, अगर हम जीतेंगे तो हमको क्या दीजिएगा? हाँ, 100 रुपये। तो नॉर्मली तुमको 100 रुपये हर काम के लिए मिलता है। चलिए यहाँ पर अब हम लोग, लालची लग रहा है, समझे ना। टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। तो कैसे शुरू करेंगे? कौन 1 2 3 बोले? आप बोलिए। हम बोलेंगे तुम चम्मच पहले के मुंह डाल। क्या वही तो है। चलिए दे। अच्छा ठीक, हम बोल रहे हैं। अच्छा रुको, तुम बोलो, समझे ना। रेडी 1 2 3 बोलना। तो नहीं तो ये तो क्लिक करना। अच्छा सुनो ना, इसमें कोई नियम नहीं, किसी तरह से हम खा सकते हैं। कैसे भी करके खा सकते हैं, खा सकते हैं ना। पहले खत्म करें, कोई भी स्टाइल से हम खा सकते हैं ना। हाँ, कैसे भी सिर्फ 2 स्पून दिया आपको, जैसा मन। तो रूल क्लियर है, खत्म करना है, किसी भी तरह से खा लेना है, खत्म करना है, ठीक है। तो हम लोग अब शुरू करते हैं। कैसे शुरू करेंगे? तो हम काउंट कर दे रहे हैं। काउंट तुम मत करो, तुम फिर इसको क्लिक करेंगे, इसको क्लिक करेंगे ना तो शुरू करेंगे। अच्छा अच्छा है ना। तो चलिए अब काउंट करो तुम। रेडी, आप क्लिक करिए। यहाँ पर धोखा हो रहा है। कुछ धोखा नहीं हो रहा है, लेफ्ट हैंड से क्लिक नहीं कर सकते हैं क्या? उसमें थोड़ा सेकंड का भी फासला बहुत कीमती होता है। आ रहे, क्लिक कर दो। अच्छा कोई बात नहीं, हम ही क्लिक करते हैं। जल्दी लेडीज फर्स्ट होता है, लेकिन हम सेकंड करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। चलिए यहाँ पर से अब शुरू करते हैं, कंपटीशन शुरू हो रहा है। पसीना टपक रहा है, थोड़ा थोड़ा अमन ठंडा लग रहा है। चलिए जल्दी, मैगी ठंडा हो रहा है। चलिए ठीक है, अब शुरू करते हैं, ठीक है। काउंटर रेडी, 1 2 3 स्टार्ट। ऐसा कौन कर बोला? डिस्टर्ब हो रहा है उसे। क्या है ना रे, बिग बॉस वाला हो गया भाई। हम आगे बढ़ना है, हार नहीं मानना है, ईमानदारी से खेलना है।
जीजा का देखने कितना चूरा है, पसीना भी चूरा है मैगी में। मेरे खत्म हो रहा है। अरे नहीं कभी भी खेलते समय हमेशा ईमानदारी से खेलिए, कभी हार नहीं खेले। खत्म हो गया, हम गिर चुके हैं। हम जीत चुके हैं भाई। हमको हंसी आके तो बोल के डाक रहा है। तीन मिनट से हम तीन मिनट तक कर सकते हैं। 11 सेकंड में हम दोबारा सीख लिए उसके चलते। मैं मुंह आंसू से भर गया। फेस देख सकते हैं 3 मिनट 11 सेकंड। सो हम जीत चुके हैं 3 मिनट 11 सेकंड में। ईमानदारी के साथ कुछ नहीं, अगर हमको हंसी नहीं आता तो हम पक्का बहुत अच्छा लगा जो भी गेम था, लेकिन गेम के माध्यम से जो मैगी मिला हमको बहुत बढ़िया लगा। वाह, अगर हमको हंसी नहीं आता तो फॉर श्योर हम जीत जाते। बस बहुत चेहरा धो लो, पूरा मैगी मैगी हो गया पूरा चेहरा। सही में तो जो अगर आपको हमारा मैगी चैलेंज पसंद आया हो तो कमेंट करें। तो आपको लोग देखिए इस तरह से हम जीत चुके हैं, फाइनली हम जीत चुके हैं। गलती से वो हम हार दिए, गलती से नहीं ईमानदारी से जीते हैं। आप लोग हमेशा ईमानदारी से सीख मिलता है कि हमेशा ईमानदारी। कुछ नहीं, हमको हंसी आया बोल, अगर हमको हंसी नहीं आता तो हम पक्का जीत जाते। हम आज जीत चुके हैं, हमको क्या मिलेगा हमको मालूम नहीं। क्या मिलेगा क्या, आप तो पूछे नहीं थे। आपको बोलते गोटी बता दी, टाइमर बंद कर रहे बोल के तो पूछे हम जीतते। तो इस तरह से हम लोग का तो हमला चलते रहेगा। तो भाई आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोग बताइएगा कमेंट में। और वीडियो पसंद आएगा तो आप लाइक कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह बात होते रहेगा, चलते रहेगा, वीडियो का अंत नहीं होगा। तो हम लोग इसी तरह से अंत करते हैं। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अभी ठीक लग रहा है। ठंडा लग गया है इसको, सो रही है। स्वेगी भी परेशान है। अजवाइन का तेल, सरसों तेल में अजवाइन डाल के तेल तो लगा दिए।
इसने अभी भी खांस ली है और स्वेगी भी परेशान है, इसकी तबीयत खराब हो गया है। तो अभी उसको खाने के लिए पूछे उसको अच्छा नहीं लग रहा है, इसे सुबह तक ठीक हो जाएगी। देखिए पूरा और लग गया, इसीलिए हम नीला बेडशीट बिछा। अरे छोड़ो ना, वो धुल जाएगा। वो व्हाइट है ना, इसमें लगता तो खराब नहीं, खराब होता। अभी देखिए खाना आ गया है, दो ना। तुम लोग के लिए भी लाओ। अच्छा बोलो, चलो पाया हाथ से दे। भाप दे रहा है मेरे को, बुखार नहीं है बोले। तो रोटी खाएगी? नहीं, ठीक है। मेरे लिए भी निकाल दी। और तुम पेट भर ले और एक एक ठग दे। नहीं ठीक। अरे नमक देख रहे हो? तो नमक ही नहीं देखे, छोटा सा प्याज है। तो ग्रेवी दे। क्या चीज नहीं खाएगी बोलती? ग्रेवी नहीं, छोटा हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। तो सुमन बीमार हो गई है और कल फिर सुबह में ड्यूटी जाना है उसको। बीमार होने के बावजूद भी देखिए मेडिकल स्टाफ लोग को छुट्टी नहीं मिलता है, बहुत ज़्यादा गंभीर स्थिति है। ऐसे में आदमी क्या करे, इसके बारे में सोचना चाहिए कि भाई बीमार हालत में कैसे काम करेगी। तो कल सुबह फिर से दिगवार जाना है हजारीबाग। देखिए ठीक लगता है, ठीक लगे चाहे नहीं लगे जाना ही पड़ेगा ना, बहुत दयनीय स्थिति है। मर मर के ड्यूटी कर रहा है लेकिन फिर भी क्या इनाम मिलेगा पता नहीं। बस सेवा का भाव करना है, मन में सेवा का भाव है, बस वही कर रही है। तो कल कैसे जाएगी? कार लेके आएंगे कि स्कूटी से जाएगी? दीदी लोग पूछते ना जाती तो। अरे हाँ, दीदी लोग को फोन करना है भाई। वो लोग को भी वैक्सीन, को वैक्सीन मिल रहा है तो? को वैक्सीन नहीं मिल रहा, कोविशील्ड। अच्छा कोविशील्ड है। तो अभी खाना पीना हो गया है, सुमन भी आराम कर रही है, वो बैठी है, उसको तबीयत ठीक नहीं लग रहा। तो देखते हैं सुबह में फिर से ड्यूटी जाना है सुमन को हजारीबाग। देखते हैं कल का सफ़र कैसा रहता है। अगर ठीक ठीक नहीं रहा तो फोर व्हीलर लेके ही जाना पड़ेगा। अगर सोच रहे थे ठीक रहती तो स्कूटी में जाते, लेकिन अब फोर व्हीलर लेके जाना पड़ेगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में। तो आज के लिए इतना ही। तो ठीक है, आज यहीं पर वीडियो को अंत करते हैं। धन्यवाद।